अखिल भारतीय चंद्रवंशी चेतना मंच के बैनर तले जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में आरा के सर्किट हाउस में बैठक किया गया, जिसका संचालन प्रदेश मंत्री अंकित सिंह चंद्रवंशी ने किया। चंद्रवंशी चेतना मंच के 25वें स्थापना दिवस सह चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन की आमंत्रण करने मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सह चंद्रवंशी चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भीम सिंह चंद्रवंशी उपस्थित हुए। साथ में चेतना मंच के राष्ट्रीय महामंत्री सुभाष चंद्रवंशी, प्रदेश अध्यक्ष जीत चंद्रवंशी, प्रदेश महामंत्री जेपी चंद्रवंशी, प्रदेश मंत्री अंकित सिंह चंद्रवंशी, प्रदेश के नेता जितेंद्र चंद्रवंशी, अजय चंद्रवंशी उपस्थित हुए। साथ ही चंद्रवंशी चेतना मंच का जिला कमेटी एवं 12 प्रखंड अध्यक्ष की घोषणा की गई, जिसमें आगामी 22 सितम्बर को 25वां स्थापना दिवस सह चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में पहुंचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भीम सिंह चंद्रवंशी ने सभी चंद्रवंशियों में एक जुनून भरा। बैठक के धन्यवाद ज्ञापन प्रखंड उप प्रमुख संजीत सिंह चंद्रवंशी ने किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य माया शंकर व चंद्रवंशी, अनिल सिंह चंद्रवंशी, प्रयाग चंद्रवंशी, कृपा शंकर चंद्रवंशी, अरुण चंद्रवंशी, मुकेश चंद्रवंशी, लाल बाबू चंद्रवंशी, रवि चंद्रवंशी, ऋषिकेश चंद्रवंशी, सैल सिंह चंद्रवंशी, दीपक चंद्रवंशी, वीरेंद्र चंद्रवंशी, डॉ. जितेंद्र चंद्रवंशी, चंदन चंद्रवंशी, अमर चंद्रवंशी, गुड्डू चंद्रवंशी, प्रदीप चंद्रवंशी, प्रतीक चंद्रवंशी, संजीत कुमार प्रतीक, सुनील कुमार प्रतीक, विक्की सहित सैकड़ों की संख्या में चंद्रवंशी समाज के लोग उपस्थित हुए और 22 तारीख को पटना में चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन में पहुंचने के लिए संकल्प लिया। संगठन के तहत आज कार्यक्रम में आए हैं। चंद्रवंशी चेतना मंच एक सामाजिक संगठन है जो चंद्रवंशी जाति के चतुर्थिक विकास के लिए संकल्पित है। चंद्रवंशी चेतना मंच का ये 25वां स्थापना वर्ष है, तो इस 25वें स्थापना वर्ष पर स्थापना दिवस समारोह और इस अवसर पर चंद्रवंशी ललकार सम्मेलन का आयोजन 22 सितंबर को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहा हूं और कार्यकर्ताओं से संपर्क कर उन्हें पटना आने का आमंत्रण दे रहा हूं। मैंने दौरा कर लिया है अब तक गया का, जहानाबाद का, औरंगाबाद का, अरवल का, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा, ऐसे कई जिलों का मैंने दौरा कर लिया है और आज दौरा करते हुए आज आपके जिला भोजपुर में आए हैं और आप देख रहे हैं यहाँ भी इस जिले के सारे प्रमुख कार्यकर्ता चंद्रवंशी समाज के, जो कि हर एक प्रखंड के लगभग 75% प्रखंडों के लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रतिनिधि बैठक है, ये सम्मेलन में जाने के लिए निर्णय लिया है। ये ललकार सम्मेलन हम चंद्रवंशियों को ललकारने निकले हैं कि चंद्रवंशियों का इतिहास गौरवशाली है। हम महाराज जरासंध के वंशज हैं, हम इस मगध भूमि पर राज करते थे, लेकिन आज हमारा वर्तमान स्थिति खराब हो गया। इस खराब स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और बदलने के लिए हमने शिक्षा, एकता और संघर्ष, इन तीन सूत्रों के माध्यम से हम बदल सकते हैं। शिक्षा अगर होगी तो समाज बढ़ेगा, अगर हम में एकता होगी तो हम संघर्ष चलाएंगे, संघर्ष से भी बदलाव होता है। तो हम ललकारते हैं, चंद्रवंशियों को ललकारने निकले हैं कि शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ, शक्ति दिखाओ अधिकार पाओ। हमने चंद्रवंशियों को ललकारा है कि तुम राजनीतिक जाति हो, चंद्रवंश के हो, राजनीति से विमुख हो गए हो, शर्ट फेंको और कुर्ता पहनो, राजनीति पर कब्जा जमाओ, यह हम ललकारने निकले। हमने ललकारा है कि राजनीति का महत्व है तो बूथ पर अड़ो, लड़ो, मरो, पर मतदान से पीछे मत हटो। हमने चंद्रवंशियों को ललकारा है कि मतदान के दिन भारत में कहीं भी रहते हो अपने गाँव आइए और मतदान अवश्य कीजिए, अपने मन के अनुसार मतदान कीजिए। तो समाज के विकास के लिए हमने 25 सूत्री फार्मूला पेश किया है, वो सूत्र का प्रचार के लिए भी हम ये घूम रहे हैं। तो हम ललकार सम्मेलन का आयोजन इसीलिए किया है कि हम चंद्रवंशियों को राजनीतिक शक्ति बनाना चाहते हैं और इस सम्मेलन को भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी संबोधित करेंगे।
इनको इसलिए आमंत्रित किया कि अभी देश में जो चार सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, तो विधान परिषद में भी हमारा सदस्य है तो भाजपा ने ही उसको बनाया, विधानसभा में है, विधान परिषद में भी है तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। अगर कोई हमारा लोकसभा में था पिछले दिनों जहानाबाद से सांसद, तो भी जदयू के टिकट पर भाजपा के ही समर्थन से, ये सभी थे, पहले भी होते रहे, लेकिन राज्यसभा में आजादी के बाद से कोई भी चंद्रवंश का बेटा नहीं गया था। ये भारतीय जनता पार्टी को श्रेय है कि मुझ चंद्रवंशी का बेटा भीम सिंह को पहली बार देश में राज्यसभा भेजने का काम। तो हम इन सारी चीजों को संगठित करना चाहते हैं। हम इतना से संतुष्ट नहीं है, हम खुश जरूर है इतना से, लेकिन संतुष्ट नहीं है। हम और लोगों को राज्यसभा भेजना चाहते हैं, हम और लोगों को लोकसभा भेजना चाहते हैं, विधायक, मंत्री, विधान परिषद, मुखिया, सरपंच, प्रमुख बनाना चाहते हैं। ये सारा चीज तभी होगा जब हमें राजनीतिक जागरूकता होगी, और जब जागरूकता होगी, जब एकता होगी, तो इसी सब चीजों के लिए हमने ये ललकार सम्मेलन 22 तारीख को आयोजित किया है। और हम सबको आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से जिले के तमाम चंद्रवंशी भाइयों बहनों को ये अधिक से अधिक संख्या में आकर के चंद्रवंशी समाज की एकता को सुदृढ़ करें। सर, बिहार के संदर्भ में बात करें तो चंद्रवंशियों की संख्या कितनी है, आबादी, और उनकी सत्ता में हिस्सेदारी कितनी है? हाँ, ये बड़ा बहुत अच्छा सवाल आप किए। चंद्रवंशी एक महत्वपूर्ण जाति है, ऑल इंडिया कास्ट। ये बहुत कम लोग, हमारे भी जाति को कम मालूम होगा कि चंद्रवंशी एक ऑल इंडिया कास्ट है। कहार नाम से बिहार में जरा कहार करने से लोग झिझक रहे हैं, लेकिन कहार नाम से देश का जो 28 प्रांत है, 28 में से लगभग 20 प्रांत में कहार जाति है। और बिहार में चंद्रवंशी हर जिला में, जो 38 जिले हैं, 38 के 38 जिला में है। आबादी हमारी ये जो अभी गन्ना कराई सरकार, उसमें 1.65% है, लेकिन कुछ त्रुटियों के कारण हम मानते हैं कि 2% आबादी, 2% आबादी भी कम नहीं है। 13 करोड़ बिहार की आबादी, तो 26 लाख हमारी आबादी, 26 लाख आबादी में 20 लाख वोटर हमारे, 20 लाख वोटर हमारे, तो 4 लाख पर भी अगर वोट एक विधायक चुना जाता है तो 5 विधायक हमारे। अभी हम 4 के घाटा में हैं, तो इस घाटा को पाटने के लिए ये हमारा अभियान है। लेकिन यह तभी हो सकता है कि जब समाज संगठित होकर एक नेता पैदा करे। जिन लोगों ने राजनीति के इस मूल मंत्र को समझा, जो इन पिछड़ी जातियों ने इसको समझा, जिन अति पिछड़ी जातियों ने समझा, जिन अनुसूचित जाति के भाइयों ने भी समझा, वो राजनीति में आज आगे आ गए हैं। हम चंद्रवंशियों को भी ललकारने आए हैं कि आप एक नेता के पीछे लगिए और अपना ध्वज जरासंध जी महाराज के जमाने का फहराइए। आरक्षण को लेकर आपका क्या स्टैंड है सर? आरक्षण को लेकर बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका विकास, सबका साथ, तो सबका, ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी हर कोई अपनी अपनी जाति को संबोधित कर रही है, तो सब जाति अपना मिलके समाजन बनेगा। हम लड़ाई की बात नहीं कर रहे, हमने अभी आपके सामने ही कहा कि हम जाति का अभियान चला रहे हैं, लेकिन किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं। हम अपनी जाति को, अगर हम जाति को उठाना चाह रहे हैं 2% आबादी, किंतु देश की ही आबादी है ना, ये पाकिस्तान की आबादी नहीं है, और ये भी पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि 2047 में देश एक विकसित राष्ट्र बने। कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको अपनी अपनी, मैं भारतीय जनता पार्टी को सबको अपना किस सलाह दूंगा। मेरी समझ है कि इस जाति को भी आगे बढ़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। सर, आपकी जाति से जहानाबाद से सांसद थे, हाँ, वो हार गए, उसके बाद अशोक चौधरी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने एक जाति विशेष पर टिप्पणी की, आप उससे कितना पक्ष रखते हैं? मैं नहीं करूंगा। हम एक अभियान में निकले हैं, हम चंद्रवंशी चेतना रैली के संपर्क में आए हैं। बहुत राजनीतिक विषयों पर आज नहीं कहेंगे, ये सामाजिक अभियान हमारा है। क्या बयान दिया, किस संदर्भ में दिया, किसने कहा, हमने बयान सुना है। मैंने ऐसे कहा है कि किसी भी आदमी को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिसे किसी जाति को चोट पहुंचे, किसी जाति को, बयान संयमित होना चाहिए। इन्होंने ठीक कहा, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के साथ चल रहे हैं और इस नीति से हम भटकने वाले नहीं। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल है, यहाँ डबल इंजन की सरकार है और आज एक 100 रख करके रोषणक जांच किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था और थाने ने आरोपी को छोड़ दिया,
तो क्या व्यवस्था है? ये तो आप प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हमको तो खर्चा के बारे में जानकारी नहीं है। आप ऐसा जो देश के इशू हो जिसको हम जानते हैं।